अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों काफ़ी लोग ये सवाल बार बार कर रहे हैं कि जिन ख़ानदानों को सैलाब की वजह से 25,000 रुपए की किस्त मिल चुकी है, क्या उनको 7,000 रुपए की किस्त जो चल रही है वो भी मिलेगी या फिर उनको 7,000 रुपए की किस्त नहीं मिलेगी। दोस्तों आज मैं आपको इस सवाल का जवाब देने वाला हूं कि आपको अगर 25,000 रुपए की किस्त मिल चुकी है तो आपको 7,000 की किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं आपको BISP के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दिखा देता हूं। BISP के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे एक शख्स ने उनसे सवाल किया है कि मुहतरमा साहिबा, जिस बेनिफिशरी को इमदाद के 25,000 मिले हैं क्या उसको भी 7,000 मिलेंगे या नहीं। तो दोस्तों BISP वालों का जवाब आप देख लें। BISP वालों ने कहा है कि सैलाब से मुतासर बेनज़ीर कफालत के वो मुस्तहिक ख्वातीन जिन्होंने बेनज़ीर इमरजेंसी कैश के तहत 25,000 रुपये की इमदादी रकम वसूल की है, ऐसे बेनज़ीर कफालत की मुस्तहिक ख्वातीन को इस बार 7,000 रुपये की एक सेमाई किस्त जारी नहीं की जा रही है। तो दोस्तों अब आपको वाज़े हो गया होगा कि जिनको 25,000 रुपए की किस्त मिली है उनको 7,000 रुपए की किस्त इस बार नहीं मिलेगी, और अगली बार जब बेनज़ीर कफालत की किस्त चलेगी तो अगली बार सारे ख़वातीन को 7,000 रुपए की किस्त मिलेगी। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगली किस्त के हवाले से फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है कि अगली किस्त कब जारी होगी। जब भी हमें कोई अपडेट मिला तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।